नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ, कुम्हार और जौहरी। मैं आपसे कहानी कहूँ उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे हैं आप लोग। मैं तो अच्छा हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, और इसीलिए मैं कुछ सोचता हूँ कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कहूँ और कह रहा हूँ। मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। बहरहाल चलिए, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुम्हार और जौहरी। एक दिन की बात है, एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था अपने इस्तेमाल के लिए, और मिट्टी खोदने के दरमियान हुआ यूं कि उस कुम्हार को एक हीरा मिल गया, डायमंड। और था तो कुम्हार, उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र उस गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उस हीरे का मूल्य पूछ डाला और आओ देखा न ताओ, कुम्हार ने कहा इसकी कीमत 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा कुम्हार से खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर मात्र समझा था, और इसीलिए अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने तराजू की डंडी के साथ उस कीमती हीरे को बांध दिया। दिन गुजर रहे थे, एक दिन की बात है, एक जौहरी गुजर रहा था और उसकी नज़र बनिए की उस तराजू पर पड़ गई, जिस पर उस बनिए ने हीरे को बांध कर रखा था। जौहरी ने बनिए से उस हीरे का दाम पूछा कि भैया ये मुझे चाहिए, कितने में दोगे? बनिए ने कहा 50 रुपये। जौहरी कंजूस तो था ही, साथ ही साथ बहुत ही लालची किस्म का जौहरी था ये। हीरे का मूल्य केवल 50 रुपये सुनकर वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण सा पत्थर ही समझ रहा है। तो उस कंजूस जौहरी के दिल में ये बात आई कि क्यों ना मैं इसे कुछ मोल भाव करूं, और उसने कहा कि 50 नहीं 30 रुपये ले लो और ये मुझे दे दो। बनिए ने तो मना कर दिया, क्योंकि उसने उतने ही रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर उस हीरे को खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, चलो कल आकर फिर कहूँगा, यदि नहीं मानेगा तो 50 रुपये ही देकर खरीद लूँगा। बस जौहरी अपने रास्ते चल दिया। संयोग से 2 घंटे बाद, मात्र 2 घंटे बाद, एक दूसरा जौहरी उसी रास्ते से गुजरा और कुछ ज़रूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। ये दूसरा जौहरी था। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर तो वो जौहरी चौंक गया। उसने सामान खरीदने का विचार ही गुम गया, और कि अरे, वो आश्चर्यचकित था कि इतना बेशकीमती हीरा ये यहाँ पर बंधा पड़ा है। उसने बनिए से उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया और बनिए ने 50 रुपये ही कहा। और जैसे ही बनिए के मुंह से 50 रुपये निकला, जौहरी ने अपनी जेब से 50 रुपये की नोट निकाली और बनिए को थमा दिया और हीरे को लेकर खुशी खुशी चल पड़ा अपने घर की ओर। भाई दूसरे दिन क्या हुआ कि वो पहले वाला जौहरी आया बनिए के पास।
और 50 रुपये की नोट उस थमाते हुए बोला, लो भाई और दे दो मुझे वो पत्थर। बनिया बोला मासूमियत के साथ, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी आया था, 50 रुपये मुझे दिया और ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। उसने अपने सर पर हाथ रख दिया और अपने गम को कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, 1,00,000 रुपये कीमत का हीरा था, हीरा। बनिए ने आओ देखा न ताओ एक तमाचा जड़ते हुए बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा ही था, मुझे नहीं पता था कि यह इतना कीमती हीरा है, क्योंकि मैंने तो 1.25 गुड़ देकर खरीदा था उसे। पर तुम तो जानते थे कि यह बेशकीमती हीरा है और जानते हुए भी 1,00,000 की कीमत का पत्थर के लिए 50 रुपये भी नहीं दे सके मुझे। दोस्तों बात कैसी लगी? ये जो बनिया और पहला जौहरी और दूसरा जौहरी और हीरा, ये कहानी भले ही साधारण सी हो लेकिन हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा ये कहानी देती है। पहली शिक्षा दोस्तों, हमारे पास अमूल्य परिवार और अमूल्य मित्र और शुभचिंतक हैं, पर कई बार हम उसे पास रहने से महत्व नहीं देते हैं। अरे है ना, लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जब हम उसे खो देते हैं या वो अमूल्य परिवार के सदस्य या वो अमूल्य मित्र हमसे दूर चले जाते हैं, तो उनके दूर जाने के बाद हमें उनके मूल्य का एहसास होता है, नंबर वन। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, अच्छे कार्य को करने के लिए उसे कल पर नहीं टालना चाहिए या शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे कार्य को टाला जाता है तो वह आदमी प्रथम जौहरी की तरह पछताता रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। और इस छोटी सी कहानी से हमें तीसरी शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वर्तमान समय जो व्यतीत हो रहा है वह समय लाखों रुपये के समान है, पर आज विद्यार्थी उस हीरे जैसे बहुमूल्य समय को और अनावश्यक कार्यों और व्यसन और फैशन में व्यर्थ गवा रहा है। पहला जौहरी अर्थात समाज के जानकार लोग भी बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाते, जिसका परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ता है। सही दिशा ना मिलने से वही विद्यार्थी फिर समाज में अहित करता है। और चौथी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है, हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कहानी में कुम्हार और बनिए ने की। कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो दोस्तों इस कहानी को गंभीरता से लेना, कहीं चूक रही समझने में तो दोबारा सुनना और
हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, खुश रहना, लोगों की कीमत करना। कोई भी व्यक्ति अमूल्य बेकार नहीं है, उनकी कीमत करो हमेशा। लोगों को प्यार बांटो, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। और अपने अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, फिर कुछ और नई बात लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।